गाइस वेलकम बैक। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से दो तगड़े न्यूज है जो मैं आज कवर करने वाला हूँ। पहला न्यूज है ओला S1 X के ऊपर। ये गाड़ी का वेट काफी लोग कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ी है जो 1,10,000 में आ जा रही है। ये ओला S1 X प्लस की बात करो, ओला S1 X की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो प्लस वेरियंट जिसका प्राइस है 1,10,000 वो फाइनली शोकेस कर दी गई है बैंगलोर के इंद्रनगर एक्सपीरियंस सेंटर में। ये गाड़ी में कुछ ऐसी खासियत है जो की एक्चुअल में इस गाड़ी की तरफ लोगों को आकर्षित करता है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो रेंज है 151 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअल में 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक से निकल रही है और ठीक ठाक मेरे को लग रही है। BLDC मोटर है लेकिन 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये आराम से निकाल देता है। और ओला ने फाइनली BLDC मोटर के ऊपर फाइनली शिफ्ट कर चुके हैं। जो इनकी प्रीमियम कैटेगरी है ओला S1 Pro Gen 2, उसमें सिर्फ मिड ड्राइव मोटर मिल रहा है, बाकी जितनी भी इनके वेरियंट है सब में इन्होंने BLDC मोटर पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इनको प्राइस एक कॉम्पिटेटिव रखना था। इस कारण से इन्होंने प्राइस में कोई भी इंक्रीज नहीं किया, जितना हो सकता है गाड़ी के मोटर पे ही काम किया इन्होंने, मोटर को डिग्रेड करके BLDC कर दिया है। इस गाड़ी में जो प्रैक्टिकलिटी उसको तो बढ़ा दिया गया है और ये गाड़ी देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। इसका सबसे अच्छा मेरे को फ्रंट का हैंडल लगता है, क्योंकि सिर्फ हेडलाइट वाला पार्ट ही कवर्ड है और बाकी का जो हैंडल बार है वो एक्सपोज्ड है, जो कि लुक वाइज बहुत ही अच्छा आता है। हालांकि सिग्नेचर हेडलाइट इसमें ओला की दी गई है। फ्लैट फ्लोर बोर्ड के साथ 34 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है। यहाँ पे जो सेगमेंट की 5 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलती है, तुमको क्या लगा मैं TFT स्क्रीन बोलता? ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, लेकिन इसमें एक और वेरिएंट है ओला S1 X जिसमें 3 इंच का स्क्रीन मिलेगा, वो भी डिजिटल स्क्रीन मिलेगा, बट इसमें 5 इंच का है। कीलेस यहाँ पे एक्सेस मिलता है, 7 कलर ऑप्शन में मिलती है गाड़ी, स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ आता है, इसका मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो आपको इसमें मिल नहीं वाला है। हालांकि जो 3 इंच वाला जो स्क्रीन वाला ओला S1 X है जिसकी प्राइसिंग इससे कम है, उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला सिस्टम नहीं है, बट ओला S1 X प्लस में है और फाइनली इसको शोकेस कर दिया गया है। इसका मतलब कुछ समय के अंदर इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। अकेला ये न्यूज ही नहीं है, इसके अलावा एक और अपडेट है ओला की तरफ से। अगर आप ओला की S1 Pro Gen 2 का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट कोई भी जगह पे हो, आपके नियरेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर पे गाड़ियों को पहुंचा दिया गया है और वहां पे जाके आप डायरेक्ट ओला S1 Pro Gen 2 को टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। कंपनी ने वहां पे अवेलेबल करा दिया जो भी आपके एक्सपीरियंस सेंटर नियरेस्ट है वहां पे, तो इट मींस गाड़ियां बहुत जल्दी वो डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है, अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है और जितने जल्दी हो सकता है चीजों को बना के डिस्पैच कर रही है। हालांकि अभी पूरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ओला S1 Pro Gen 2 का तो स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे वो पूरा एक्सपेंशन करेंगे, धीरे धीरे वो डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया करना स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में ही ओला S1 X की डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। देखो सबसे ज्यादा जो बुकिंग आई है ना फिलहाल के टाइम में ओला S1 X प्लस की आई है और इसी की आने वाली है, क्योंकि ये एक करेक्ट प्राइस पॉइंट पे जो एक्चुअल में इंडियन कंज्यूमर्स को गाड़ी चाहिए वो ओला इलेक्ट्रिक ने प्रोवाइड किया, इस कारण से इसकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा है। तो गाइस फाइनली ये दो अपडेट थे, दोनों के दोनों ही शोरूम से रिलेटेड, दोनों ही दोनों टेस्ट राइड से रिलेटेड, फाइनली नियरेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर पे आपको मिल जाएगी टेस्ट राइड करते हुए। सो गाइस आज की वीडियो पे इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वी आर वेरी क्लोज टू 2.30 लाख सब्सक्राइबर, फटाफट से कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और सपोर्ट करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। ऐसी न्यूज आपको पसंद देता हूँ।